शाइनी लॉन्ग और लश्रस हेयर हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन आजकल हम में से ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, हेयर ग्रोथ रुक जाने की प्रॉब्लम से, ब्रिटल एंड ड्राई हेयर की प्रॉब्लम से। आखिर इन सब का कारण है क्या? कहते हैं आपकी स्किन और आपकी हेयर आपके इंटरनल हेल्थ का आईना होता है। तो जब भी आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होता है, सबसे पहला असर देखने को मिलता है आपके हेयर में, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आपकी हेयर के ग्रोथ के लिए ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। लिस्ट में सबसे टॉप में आता है आपका पुअर फूड चॉइस, सेकेंड नंबर पे आता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, थर्ड नंबर पे आता है आपका इम्प्रॉपर हेयर केयर रिजीम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जो आपकी हेयर के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से आता है आपका थायराइड, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका जेनेटिक्स, हार्मोनल इंबैलेंस, एजिंग एंड स्प्लिटेंट्स का होना। अमंग ऑल दिस फैक्टर्स, डाइट स्टिल प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ योर हेयर। अगर हम डाइट की बात करें तो वाइटामिन सी, डी, वाइटामिन ई, जिंक, बायोटिन, ओमेगा 3, प्रोटीन, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी हेयर की ग्रोथ को इंश्योर करने में। हेयर के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं वो बने होते हैं कैरेटिन नाम के प्रोटीन से, और इसमें लश्चर ऐड करता है ओमेगा 3। इसका मतलब आपकी डाइट का वेल बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डाइट में जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है शुगरी चीज़ें, प्रोसेस्ड आइटम, पैकेज्ड आइटम, मैदा से बने आइटम, स्मोकिंग और अल्कोहल को भी आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो अगर हम राइट डाइट और बैलेंस्ड रूटीन को फॉलो करें तो आपकी हेयर के हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत मदद मिलती है।